तो डे टू में आपका स्वागत है। ये देखो, अभी हम लोग जो एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे लोस अल्कात्रेस करके, तो वहाँ पे आए हैं और उसके जो है बीच एरिया के अंदर जो है घूम रहे हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का बीच एरिया ना। यहाँ पे इन्होंने बीच के साइड में जो है वॉकिंग लेन्स बना रखी हैं और बड़ा ही सुंदर इन्होंने जो है बना रखा है इस टाइप से जो है। यहाँ पे साइड में जो है ये देखो घर चल रहे हैं, या फिर ये तो शायद डिपार्टमेंट्स हैं कुछ गवर्नमेंट के। तो देखने में काफ़ी सुंदर है, पूरी मेडिटेरियन जो है फील आ रही है। और इवनिंग में जो है लोग यहाँ पे वॉक करते हुए काफ़ी सारे। तो जो मैं जगह बता रहा था आपको, जगह ये है लोस अल्कात्रेस। तो ये अलिकांते से ज़्यादा दूर नहीं है और ये कुछ शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट का सीन है, क्योंकि इस घर की जो छत है वो बड़ी पुरानी है और ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ अनटच्ड है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ तो दिखा रखा है एंशियंट मोनूमेंट, तो कुछ ना कुछ इसका आर्कोलॉजिकल जो है सीन है यहाँ पे। चलो आपको एक टिपिकल जो देसी गलियाँ होती हैं स्पेन की वो दिखाते हैं अब आपको ना। तो बिल्कुल ही देसी टाइप गलियाँ हैं, मतलब दुकान जो हैं गलियों में जो बनी हुई हैं उनके शटर्स देखो आप, मतलब वो जैसे इंडिया में दुकानें होती थी पहले वैसे ही हैं। तो ये देखो कैसे जो है यहाँ पे तो ये तो मेरे ख्याल से वही पुरानी जो आर्कोलॉजिकल टाइप की बिल्डिंग है, तो वही बिल्डिंग जो है इन्होंने शायद, मेरे को लग रहा है देखने से ऐसा, कि हॉलीडे अपार्टमेंट्स में मतलब कन्वर्ट कर दिए। तो समर में जो है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है टूरिज्म के लिए आते हैं। तो ये स्पेन की गलियाँ आज जो है क्रिसमस टाइम, मतलब क्रिसमस की वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है बाहर निकले हुए हैं अपने पार्टी करेंगे आज सारे लोग यहाँ पे। तो देखो एक और इंटरेस्टिंग जो है बिल्डिंग दिखी यहाँ पे, काफ़ी अच्छी लुक इसकी लग रही है, से अल्क्वेला, तो काफ़ी पुरानी टाइप की ये जो है बिल्डिंग लग रही है देखने से ना। तो स्पेन की गलियों की एक बात ही अलग है, मतलब घूमने में एक मज़ा ही अलग आता है। ये कुछ इस टाइप की दिखती है यहाँ पे। ये इन्होंने बीच के ऊपर जो है एक जो है रेस्टोरेंट प्लस क्लब बना रखा है यहाँ पे। अभी आज सब कुछ बंद है लगभग, मतलब बस बार पब्स जो हैं वो इन्होंने जो है खोल रखे हैं। मौसम आज जो है अच्छा था, इस साइड में थोड़ा सा विंडी है मौसम, लेकिन ठीक था जनरली। मतलब जब धूप निकली हुई थी तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, मतलब कोई इतना ठंड वाला मौसम नहीं था। मतलब एक घंटे पहले तक मैं टी शर्ट पहना हुआ था और अब जो है मैंने जैकेट डाली क्योंकि थोड़ी हवा चल रही है ठंडी। ये देखो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा इन्होंने जो है
प्लेग्राउंड टाइप में बनाया है, इसको जर्मन में किंडर स्पील प्लाट्स कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये देखो बच्चे यहाँ पर जो है खेलते हुए। तो इसके जो हैं पिक्चर्स देखे थे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है घर है। ये नीचे देख रहे हो आप पिलर्स, पहले पानी में जो है पूरे काफ़ी जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिज का, वैसे ही नीचे पिलर्स बनाए हैं और पिलर्स के ऊपर जो है ये जो भी हैं घर, मतलब अभी तो घर ही कहूँगा मैं इनको, तो इस टाइप से इन्होंने जो है घर बना रखे हैं। बड़ा अच्छा नज़ारा, एकदम सनसेट का टाइम हो गया है और आधे घंटे में जो है सनसेट हो जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट जो कि मोस्ट प्रॉब्ली क्लोज्ड हैं। ये सारे देखो बीच साइड जो है अपार्टमेंट। और ये जो मैं दुकानों की बात कर रहा था स्पेन में, मैं आपको वो दुकानें दिखाता हूँ कैसी होती हैं यहाँ पे। लगभग हर जगह पे स्पेन में मतलब टूरिज्म जो है अच्छा खासा है, तो समर्स में यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं बार्स हैं उनका अच्छा खासा काम होता है। ये देखो जैसे कि रेस्टोरेंट है, दिखने में बड़ा अजीब सा गंदा सा लग रहा है पर मैक्सिमम दुकानें यहाँ पे जो हैं ऐसी ही होती हैं और शटर्स मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले जो है थेफ्ट वगैरह काफ़ी होती थी, चोरियाँ जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए लोगों ने मतलब ऐसा जुगाड़ किया हुआ है कि पूरा शटर जो है बंद करके ताला मार के तब जाएं। ये देखो कितना बढ़िया जो है इन्होंने वॉल पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पे, तो आर्ट वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। दीवारों के ऊपर मतलब काफ़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स बना रखी हैं, तो पूरी मतलब एक स्पेनिश टाइप का जो स्टीरियोटाइप है वो परफेक्टली सेट होता है। और यहाँ पे जो है जितने भी इंडिया से काफ़ी सारे बंदे आ रखे हैं मतलब जो यहाँ पे जिनकी इस टाइप से दुकानें बहुत हैं। तो ये पूरी जो लेन है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की बार्स की है, तो लोग अभी जो है यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं, जिसको ये फीस्टा कहते हैं मतलब फेस्टिवल हमारी देसी भाषा में कहूँ तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ बैठे हैं आराम से अपनी बियरें शेरें पी रहे हैं। इस टाइप से दुकान भी होती है यहाँ पे, छोटी छोटी दुकानें बहुत हैं, मतलब लोगों ने मतलब बड़ी दुकानें तो जो जैसे लिडल आल्डी इस टाइप से भी हैं पर जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, तो और लोग यहाँ से सामान भी खरीदते हैं, महंगा होता है पर खरीदते हैं। ये इस टाइप से शटर वगैरह की दुकानें। तो देखो जो मैं वॉल पेंटिंग्स की बात कर रहा था, ये देखो
एक वॉल पेंटिंग यहाँ पे बना रखी है, ये देखो एक वॉल पेंटिंग यहाँ पे बना रखी है। तो इस टाइप से जो है जगह जगह पे छोटी छोटी वॉल पेंटिंग्स जो है बनाते रहते हैं ये लोग। ये घूम फिर के मैं दोबारा से जो है बीच वाली लाइन जो लेन है उसमें आ गया हूँ। ये देखो वॉल पेंटिंग्स, ये वाली देखो मेरमेड की बनाई हुई है इन्होंने। पूरा देसी टाइप ही जुगाड़ लगता है मतलब स्पेन ना देखने से। ये यहाँ के घर देखोगे तो ऐसे ही बालकोनी बना करके मतलब जैसे इंडिया में रहता है। तो चलो वापस बीच पे चलते हैं। तो डे टू पे आज मैं यही वीडियो बना पाया क्योंकि अभी बस थोड़े सेटल हुए हैं, तो अभी एक वीक और है। तो कोशिश रहेगी कि जितनी वीडियोस जो है मैं कैप्चर कर सकूं यहाँ मेरे नए कैमरा से उतना अच्छा है। तो आपको भाई ये स्पेन के जो है बीच के नज़ारे अगर पसंद आए हों तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करना आप लोग ना। थैंक यू।